डिप्रेशन का किलर थे आपके, कमाल डांस करती हैं, स्टेज पे आग लगा देती हैं हमेशा। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुराली, किसने मार डाला। आरो रे आरो, मानिया आरो, दिल के शहर में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उहे उड़ान के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साफ सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे, बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर वन एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। बिग गंगा के तमाम दर्शक के विनय आनंद के नमस्कार, प्रणाम, गोल लागता नहीं। रउआ तमाम दर्शक के बहुत बहुत स्वागत। आज से शुरू होके जा रहा बा एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो चली करल जाए दूसरा क्वार्टर फाइनल के शुरुआत। अपन जजेस के स्वागत के साथ एगो बाड़ी टेलीविजन की शान, तो दूसर भोजपुरी फिल्म की जान। जोरदार तालियों से स्वागत करी रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी के। और अब मिल लेवल जाए बाकी के चार क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब से, जिनकर हुनर हौसला और कातिल अदा रउआ पहले भी देख चुकल बानी। तो चली मिल जाए अपन चार क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब से।
जोरदार तालियां और स्वागत करी रांची के शारदा मुखिया जी के, पटना की आरती कुमारी जी के, लखनऊ की कल्पना कश्यप जी के और वाराणसी के पूजा वर्मा जी। तो चले करल जाए मुकाबला की शुरुआत आपन ऊ राउंड के साथ, जहां होला इशारों के खेल और ऊ राउंड के नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करी चुटकी में चकाचक। राउंड में दू मेम साहब मिलके खेलिहन और ई बाउल में रखल बा कुछ पर्चा। एगो मेम साहब के पर्चा निकाले के बा जेकरा पर लिखल बा फिल्म के नाम, तो दूसर मेम साहब के आपन इशारा या अभिनय से उस सिनेमा के नाम बताए के बा, जेकरा खातिर समय मिली 2 मिनट। सबसे कम समय में जौन जोड़ी बाजी मारी उनका मिल सकेला पूरा 10-10 अंक बटोरे के मौका। वो दोनों जोड़ी जो आएंगी पहले वो कौन होगी, हम अपने जजेस से पूछते हैं। मधु जी, रश्मि जी, किसे बुलाना चाहेंगे आप पहले यहाँ पे? मैं चाहूंगी मेरी टीम में शारदा जी और पूजा जी रहे। क्या बात है, तो आई शारदा जी पूजा जी आपके स्वागत बा। आई आप दोनों में से कौन एक्टिंग करेंगी और कौन उसे समझने की कोशिश करेंगी? आप एक्ट करेंगी, आप समझने की कोशिश करेंगी, तो पर्चा सिलेक्ट करिए। आप दोनों का समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। 4, 5, 5 वर्ड। हम, दिल, हमारे, हमारा दिल आपके पास है। एक नंबर, सही जवाब। मधु जी क्या कहेंगे? कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरी टीम ने प्रूव कर दिया, कमाल है मेरी टीम। बहुत अच्छा खेला आपने, आपने दर्शाया भी बहुत अच्छा और आपका गेसिंग भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली आप बहुत स्मार्ट निकली दोनों जन। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। जोरदार तालियां दोनों मेम साहब के लिए और आप लोग लौटिए पोडियम पर। और अब बारी बा हमनी के दोनों दूसरा जोड़ी के, तो आई मैं एक्टिंग करूंगी। हाँ, तुम फास्ट, रुकना कहीं नहीं, एकदम नहीं, जल्दी 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 इनकेट करना। जी सिलेक्ट करिए। ऑल द बेस्ट लड़कियों। आप दोनों का समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। हिंदी, हिंदी, दौड़, फूल, खून, फूल चुभा, फूल काटे, फूल और काटे। रश्मि जी क्या कहेंगे? काम किया आपने, मुझे देखा आपने मधु जी, मेरी टीम में कितना टैलेंट है, देखो लड़कियों इसी तरह से आगे के राउंड खेलना, ठीक है, और मेरा नाम रोशन करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेरी नाइस। आपने जिस तरीके से उन्हें समझाया बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। जी लौटिए, यही के साथ स्मार्ट मैप साफ राउंड आईजे खत्म हो गए बा। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के, ब्रेक के बाद देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। के बाद एक बार फिर से स्वागत बा, रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। दूसरा क्वार्टर फाइनल के मुकाबला चल रहा बा, जहां रांची, पटना, लखनऊ और वाराणसी के 4 मेम साहब सेमीफाइनल खातिर एक दूसरा के टक्कर दे रहा बाड़ी। बात प्राचीन काल के होखे या वर्तमान के, जब भी खूबसूरती के बात होला तब महिला लोग के खूबसूरती हमेशा चर्चा के विषय रहल बा। यही कारण बा कि आज भी हर महिला शकुंतला जैसन बने के ख्वाहिश
रखेली। लेकिन आज इनका शकुंतला बने के नहीं खे बल्कि हमनी के मॉडल्स के शकुंतला बनाए के बाद काहे कि ये राउंड के नाम है टिप टॉप मेम साहब। टिप टॉप मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। राउंड में हर मेम साहब के हमनी के मॉडल्स के शकुंतला लुक देवे के है, जेकरा खातिर इनका मिली 10 अंक बटोरे के मौका। तो अपन टिप टॉप अंदाज दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी रांची की शारदा मुखिया जी और पटना के आरती कुमारी जी के, साथ ही हमारी दोनों मॉडल्स प्लीज कम। तो आप दोनों तैयार हैं? यस सर। सामने आ जाइए। आप दोनों को 5 मिनट का समय दिया जाता है, तो शकुंतला लुक ही बनाइएगा, कुछ और मत बनाइएगा। तो समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। बताइए मॉडर्न ड्रेस के ऊपर भी जो है खेला हो रहा है। आप लोग मॉडल का ना ध्यान रखेगा, उनको तकलीफ हुई तो मार्क्स कटेंगे आपके। मॉडल्स भी काफी अच्छी है हमारी, काफी कोऑपरेट करेंगी वो। अब तो दोनों मेम साहब के हाथों में फंस चुकी हैं, कुछ कर भी नहीं सकती। अब तो जो होगा सो होगा। साथ में बजाज आलमंड ऑयल जो है वो भी लग रहा है। अमेजिंग। अब बाल मजबूत भी हो जाएंगे और ये खूबसूरत भी हो जाएंगे। क्या बात है, जो साइड से देख के हंसी हैं, क्या कहना है। गला मत दबाइएगा जरा प्यार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरती जी, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि रामायण के लिए आपकी कास्टिंग होने वाली है और फूल वूल लगा हुआ है और बगीचे में फूल तोड़ने जाने वाली है शकुंतला। चलिए, आज के जमाने में अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छा है कि ऐसे फूल पहन के बाहर नहीं जाना पड़ता है। वाह शारदा जी वाह। रेडी। मधु जी क्या कहेंगी आप? आरती जी, आपकी शकुंतला के तो ब्लैक कलर की लेगिंग्स दिख रही है, आपकी साड़ी काफी वो लंबी थी तो उसको कवर कर देते तो बेटर रहता। बाकी फ्लावर्स जिस तरीके से आपने यूज किए हैं प्यारे लग रहे हैं। जो आपने सर पे बांधा है मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत अच्छे तरीके से वो चीज को यूज किया आपने। लिपस्टिक लगाई है आपने, बिंदी भी लगाई है, सो वो बहुत प्यारा लगा मुझे। और शारदा जी, आपने जो साड़ी नीचे से बांधी है ना वो बहुत टाइट है, थोड़ा सा अगर हल्का ऊपर कर देती तो वो इजी होता। बाकी आपका मुझे अच्छा लगा, जिस तरीके से आपने साइड में बांध के इसपे फ्लावर्स लगाए वो प्यारे थे। दोनों में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें कमी हैं। दोनों ने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, मुझे अच्छा लगा। फूलों से सजी हुई लड़की मुझे वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, और साड़ी बहुत अतरंगी लग रही है, ड्रेप भी ठीक से नहीं किया आपने, फ्लावर्स आपने अच्छे से लगाए। बजाज आलमंड ड्रॉप्स के साथ से आपने उनके जो बालों को लुक दिया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शारदा जी, ओवरऑल आपने भी बहुत अच्छे से कोशिश की, पर आपकी जो साड़ी है वो बहुत ज्यादा लंबी लगी मुझे, शकुंतला की इतनी लंबी नहीं होती है। काजल वाजल आपने थोड़ा बहुत अच्छे से मेकअप किया होता ना, मगर शकुंतला एक्चुअली बहुत सुंदर थी, आपने बनाया अपने तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग लौट सकती हैं और मॉडल्स आप भी लौटिए। टिप टॉप मेम साहब खेलने के लिए अब बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी कल्पना जी और पूजा जी, जोरदार तालियां। दोनों मॉडल्स आइए, आप दोनों तैयार हैं? yes, गेम yes, समझ गई हैं? yes. 5 मिनट में आपको तैयार करना है।
आइए सामने। तो आप दोनों का समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। अरे ये हमार शर्मिला भी आई बाड़ी जी। ए पुष्पा का हाल चाल बहू? ग्रेट। देखिए शकुंतला लगनी चाहिए कई कई नहीं, कहीं स्वरूप नखा मत बना दी। ओह ये देखिए क्या हालत हो रही है बेचारी। अच्छा इतना घुमाएंगे तो चक्कर ना आ जाएगा उसको। वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात, वाह पूजा जी वाह, कल्पना जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी माइथोलॉजिकल सेट पे खड़ा हूं और पीछे से जामवंत आने वाले। वाओ देखो बजाज आलमंड ऑयल, क्या बात। ओह माय गॉड, 10 सेकेंड जल्दी करिए। वेरी नाइस, एंड टाइम अप। मॉडल्स प्लीज आप लोग जरा जजेस के पास जाइए। तो अरे अरे आई थोड़ा नजदीक आई आई अच्छा लगे आई। तो रश्मि जी क्या कहेंगे आप? कल्पना जी आपने बहुत सुंदर तरीके से सजाया, सिंपल वेरी ब्यूटीफुल, फूल भी आपने अच्छे से लगाए, हार वार पहना के प्रॉपरली आपने बनाया उनको। आय 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 पूजा जी आपने जो किया ना बहुत धीरे से किया, थोड़ा तेज करती तो मजा आ जाता। आपने किया बहुत बढ़िया, आई लाइनर बनाया, वो शैडो भी लगाया, सब एकदम प्रॉपर किए। बस समय के साथ नहीं चली तो समय भी आपका साथ छोड़ के आगे चला गया। yes, आगे ध्यान रखिएगा, आगे के राउंड में आप कवर अप कर सकती है, जानती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। कल्पना जी ने बहुत अच्छे से अपनी मॉडल को सजाया, साड़ी की ड्रेपिंग थी वो परफेक्ट है, पल्लू आगे लाके खोसा वो अच्छा लगा, गले में हार लगाया, सर पे फ्लावर्स प्रॉपर, आईलाइनर लिपस्टिक सब किया, वेरी गुड। और आपकी शकुंतला इतनी खूबसूरत है कि आपने कम चीजें की हैं उसके बाद भी वो बहुत प्यारी लग रही है जी। इसी के साथ टिप टॉप मेम साहब राउंड आईजे खत्म हो गए। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के, ब्रेक के बाद देखल जाए उ राउंड जहां मेम साहब मचा दी हन गर्दा। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा, रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। जिंदगी में सबके चांस चाहिए, हंसे के चांस, झूमे के चांस, खुशी मनावे के चांस, प्यार
रोमांस, शादी के चांस और हमनी के मेम साहब के मिलल बा क्वार्टर फाइनल में चांस। तो चली एक खुशी में देख लेवल जाए इनकर डांस, काहे कि हमनी के राउंड है, ये है जलवा। ये है जलवा स्पॉन्सर्ड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट। थोड़े से मन ना भरे बांटने को जीना करे तो हम आप लोग के बतावे के चाहता नहीं कि ई राउंड में मेम साहब अपन डांस के जलवा दिखाई हन, जेकरा खातिर उनका मिल सकेला 10 अंक। अपन डांस से क्वार्टर फाइनल के जश्न मनावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी रांची के शारदा मुखिया जी के, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है शारदा जी, वाह। मधु जी, मुझे भी बहुत मजा आ गया। आप कमाल डांस करती हैं, मतलब स्टेज पे आग लगा देती हैं हमेशा। एक्सप्रेशंस तो आपके कमाल रहते ही रहते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट आप देते हो, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। इस शो की ओपनिंग आपने बहुत सुंदर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप डांस तो बहुत अच्छा करती ही हैं, एक्सप्रेशन तो किलर थे आपके। आपसे मुझे डांस में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थैंक यू। आप जानती है डांस किस तरह करना। अब मैं आपको टेक्निकली भी पकड़ूंगी, तो वो सारे बॉडी लाइंस और सारी चीज़ें जिसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप में नोटिस करूंगी। तो आगे के राउंड में मुझे परफेक्ट देखना है। ओके मैम, थैंक यू। हाय। और अब आपन डांस से गर्दा उड़ावे के बारी बा पटना के आरती कुमारी जी के। La 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 la
वाओ सुपर्ब। मधु जी, आरती जी आप बहुत खूबसूरत हैं और आप उतने ही खूबसूरत एक्सप्रेशंस देती हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे आपके एक्सप्रेशंस, आपका डांस भी बहुत अच्छा है। बट एक छोटी सी चीज़ सजेशन में आपको देना चाहूँगी, आप जोश में करती हैं तो थोड़ा सा आपका एनर्जी ज़्यादा लगता है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए उसको और अच्छे से कीजिए। आप डांस अच्छा करती हैं, एक्सप्रेशंस अच्छे देती हैं, थोड़ा कंट्रोल में करेंगी तो वो और खूबसूरत लगेगा। मुझे मधु जी की बात एकदम सही लगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डालती है तो बॉडी का बैलेंस हट जाता है और वो डांस स्टेप अच्छे नहीं लगते। फिर बॉडी बैलेंस हो और आप हर चीज़ कंट्रोल में करो और अच्छे से करो तो उसका मज़ा अलग होता है। आप डांस भी अच्छे से करना जानती है तो प्लीज़ आगे के राउंड में ध्यान रखिएगा। जी थैंक यू आपको जी, बेस्ट ऑफ लक। ये है जलवा राउंड में। आज रांची की शारदा मुखिया जी और पटना की आरती कुमारी जी आपन डांस दिखा चुकल बाड़ी, लेकिन लखनऊ की कल्पना कश्यप जी और वाराणसी की पूजा वर्मा जी के डांस अगला एपिसोड में देखल जाए। फिलहाल एक नजर डालल जाओ अब चारों मेम साहब के मार्क्स पर। शारदा जी आपको मिला है टोटल 31 मार्क्स, आरती जी आपको मिला है टोटल 31 मार्क्स, कल्पना जी आपको मिला है टोटल 33 और पूजा जी आपको मिला है टोटल 31 मार्क्स। कल के एपिसोड में एक बार फिर देखल जाए इंकरा बीच के घमासान। तो कल हमनी के फिर मुलाकात होगी, तब तक खातिर अपनी विनय आनंद की दी इजाजत, रखी अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे बांटने को जी ना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।